हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। महिला सांख्य के बारे में बात करेंगे, सामख्या बोल लीजिए इसको। इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, सामख्या, सामख्या, ठीक है। तो बाकी जरूरत नहीं आपको लिखा कैसे जाता है सोचने की। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली वुमेन एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और कब शुरू किया गया था, कब लॉन्च हुआ, कब इनिशिएट हुआ, वो सारी चीज़ें शायद कभी पूछ ली जाएँ। और डी ट्रिपल एस भी या बाकी जो भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। So, देखो 1986 की जो एनपी थी, मतलब पॉलिसी थी, उसमें ये बोला गया था कि एजुकेशन जो है ना वो एक डेफिनेटली एजेंट की तरह काम करेगा और एजेंट की तरह यूज किया जाएगा। बेसिक चेंज किसके एजेंट की तरह, एक बेसिक चेंज के एजेंट की तरह, यानी बदलाव आएगा किस में, वुमेन के स्टेटस में। किससे बदलाव आएगा, एजुकेशन से। सो अगर एजुकेशन बेटर हम कर पाते हैं सोसाइटी में, तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हमें वुमेन के स्टेटस में नजर आएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, सो इसको इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एक्यूमुलेटेड डिस्टॉर्शन ऑफ द पास्ट, यानी पहले जो हमने गलतियां कर ली हैं, जो सब कुछ इकट्ठा हो रखा है ना, सारा जितना भी वो किया था ना, कर्म कांड कर रखे हैं गलत, तो वो जो सारे डिस्टोर्शन जो हमने कर रखे हैं वुमेन के स्टेटस में, सो वो जो इकट्ठे हो रखे हैं ना, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें और बेहतर चीजें वुमेन के फेवर में करनी पड़ेंगी फर्दर। ओके, तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, पॉजिटिवली प्ले करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर फील्ड में हम इंटरवीन करेंगे, राइट, कि कोई प्रॉब्लम है तो हम इंटरवीन करेंगे, तो एक इंटरवेंशन की तरह काम करेगा, कि एक प्रॉपर रोल प्ले कर रही है एजुकेशन, जो देश का एजुकेशन सिस्टम है वो वुमेन को एम्पावर करने के लिए। ओके, सो इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज। कैसे होंगी वो न्यू वैल्यूज, कैसे डेवलप की जाएंगी, वो रीडिजाइंड करिकुलम, यानी करिकुलम को हम वापस से ढंग से बनाएंगे। टेक्स्ट बुक्स अलग तरीके से लिखी जाएंगी, जैसे मैंने पहले एनआईओएस के मटेरियल के दौरान भी आपको पढ़ाया है कि बहुत सारे बायस्ड एग्जाम्पल्स हमें नजर आते हैं कहाँ पे, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें। ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन जो है टीचर्स की, वो बेटर की जाएगी, मतलब ये सारी चीजें हमें अच्छी करनी है, इनके थ्रू हम जो है चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, नई वैल्यूज जो है बच्चों में या लोगों में, उनमें, सिटीजन्स में जो है देश के, उसमें डेवलप कर सकते हैं। ओके, फिर वो डिसीजन मेकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन सबका और एक एक्टिव रोल या एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। सो अगर हम ये चीज बेटर करके, एजुकेशन बेटर करके, वुमेन का स्टेटस अगर थोड़ा बेटर कर पाते हैं, सो ये एक एक्ट ऑफ फेथ एंड सोशल इंजीनियरिंग रहेगा। तो सोशल, जैसे इंजीनियरिंग होते हैं ना कि कुछ तोड़ फोड़ के बना दिया, कुछ नया इन्वेंट कर दिया, ऐसे वाला, तो सोसाइटी का हुलिया ही तो बदल रहे हैं एक तरीके से हम, तो वो सोशल लेवल पे इंजीनियरिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी, और एक एक्ट ऑफ फेथ की तरह काम करेंगी ये चीजें। इस पूरी स्लाइड से जो कि कोटेड है एनपी 1986 में दी गई है, हमें सिर्फ मेजरली ये समझ आता है कि एजुकेशन एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है वुमेन के स्टेटस को बेटर करने के लिए, ठीक है, वही चीज इसके अंदर बोली गई है। अब एजुकेशन अगर एक जरिया है, यानी वुमेन की एजुकेशन बेटर करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए इसी इन्हीं चीजों को बेटर करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए हमारे पास क्या आता है, महिला सामख्या। तो 1986 की जो पॉलिसी है उसकी, उसमें जो चीजें बोली गई हैं कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, तो एक पॉसिबल, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वो एक प्री कंडीशन है, क्रिटिकल प्री कंडीशन है किसकी, जो कि लड़कियां आगे फर्दर पार्टिसिपेट करें या वुमेन जो है वो एजुकेशनल प्रोसेस में फर्दर हो, उसके लिए एक प्री रिक्विजिट कंडीशन होगी कि वुमेन का एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब आपको याद ये रखना है कि महिला सामख्य जो है ये प्रोग्राम 1988 में लॉन्च किया गया था। ओके, क्या करने के लिए, जो 1986 की पॉलिसी में वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं उनको पूरा करने के लिए, यानी वो एक ऑब्जेक्टिव की तरह हम उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, ये बोलता है कि एजुकेशन जो है ना वो एक इफेक्टिव टूल हो सकता है वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, किन किन फैक्टर्स में या किन किन पैरामीटर्स में। सो ये क्या करेगा, यानी एजुकेशन अगर हम बेटर करेंगे तो इससे वुमेन की सेल्फ एस्टीम, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा, बढ़िया
किया होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव इमेज बनेगी वुमेन की, तो क्योंकि वो एक कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी में प्रोवाइड कर रही होंगी। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली, जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ना, तो आप सोसाइटी के लिए, चाहे सोसाइटी के लिए हो, चाहे पॉलिटी के लेवल पे हो या फिर इकोनॉमिक लेवल पे हो, आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। और जब आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो तो एक पॉजिटिव इमेज आपकी बनती है। वो आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि जो वुमेन या जो लेडीज जो है वो वर्किंग होती हैं, उनकी एक कंपैरेटिवली अलग रिस्पेक्ट आपने भी देखी होगी, ठीक है। सो वो सिर्फ वो जो पॉजिटिव इमेज है ना, वो जो एक अलग से इमेज आपकी बन रही है कि भाई ये तो मतलब काम पे जाती है या काम करती है, ठीक है। सो वो चाहे कुछ भी है, आप चाहे टीचर हैं या कहीं बाहर जाके कोई और कंपनी में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, कहीं पर भी, बट अगर आप काम करते हैं तो एक डेफिनेटली एक अलग पॉजिटिव इमेज है। और काम कैसे मिलेगा? एजुकेशन से मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो उसका टूल की तरह काम कौन करेगा? एजुकेशन करेगा। डेवलपिंग एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, क्योंकि पहले क्या होता था कि वुमेन की थिंकिंग पावर को ज्यादा डेवलप होने ही नहीं दिया जाता था, ओके। सो वो एक सो कॉल्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी जो अपनी है ना, उसके अंदर अब आपसे जब सजेशन लिया ही नहीं जा रहा है बचपन से, सो आप बड़े होके भी क्या ही सजेशन आपका डेवलप होगा ना। सो वो एबिलिटी नहीं है आप में सोचने की, तो वो एजुकेशन की वजह से यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो वुमेन में डेवलप होगी। फोस्टरिंग डिसीजन मेकिंग, जब आप क्रिटिकली सोच पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप डिसीजन भी ले पाएंगे, राइट। एक्शन थ्रू कलेक्टिव प्रोसेसेस, तो और पर्टिकुलर जो चीजें हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। एनेबलिंग वुमेन टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं सो आप जो है कोई भी पर्टिकुलर, मतलब चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी फर्दर, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं है ना, तो जैसे बहुत सारी जगह पे आज भी सैनिटरी पैड्स यूज नहीं किए जाते, राइट, क्योंकि वो अवेयर नहीं है और उनको उनसे दूरी रखा जाता है कि नहीं, हमें नहीं यूज करनी ऐसी कोई चीज, ठीक है। सो जब आप आपके पास एजुकेशन होगी सो आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पाएंगे, मतलब आपकी जो चॉइसेस होंगी वो आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा। मान लो आप किसी की, अगर आप सैनिटरी पैड्स भी यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है, सो वो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी और उस बेसिस पे आपकी चॉइसेस होंगी कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। सो वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हो जाएंगी। इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज एंड स्किल्स फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्दर एनहेंस करना लीगल लिटरेसी को, तो वो लीगल लिटरेसी, इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें आपके पास होंगी, किस वजह से? एजुकेशन की वजह से, एम्पावरमेंट की वजह से, और वो एम्पावरमेंट फर्दर एजुकेशन, तो ये सर्कल साई है जिसमें एम्पावरमेंट जो है वो एजुकेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ओके जी। सो ये सारी चीजें सेम वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा शॉर्ट में ये चीजें मेंशन हैं। इन गोल्स को पूरा करने के लिए हमारे पास महिला सांख्य प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया, मैंने आपको बोला लॉन्च किया गया 1988 में, इनिशिएट किया गया 1989 में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर उसको करते करते आज जो है ये बहुत बड़े लेवल पे ऑब्वियसली यूज होता है। ये प्रोग्राम ऑर्गेनिक लिंक बनाने में काम करता है, और काम क्या है इसका कि ये पर फर्दर जो और चीजें हैं ना, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन है, क्योंकि उनके थ्रू अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिल रही है, यानी गर्ल्स को भी मिल रही है, तो डेफिनेटली वो एम्पावर्ड होंगी कल को, राइट। सो ये सारी चीजें, और ये जो आपका एमएस है, महिला सामख्य, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, वर्क करती है लाइक एन नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ, बट इसके बोर्ड में दोनों तरीके के मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट के मेंबर्स भी हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं। बट ये क्या है, ये एक एनजीओ की तरह काम करेगी, और जो महिला सामख्य है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसको याद रखिए, ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीजें समझ आई होंगी, फिर भी कुछ ना समझ आया हो सो जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटली फ्री।